तीसरी बार मथुरा से लड़ने के लिए टिकट दिया है, और क्योंकि मेरी दिल्ली ख्वाहिश थी कि मैं बहुत कुछ करूं, इधर काफ़ी किया है पहले 5 साल में, सेकंड 5 साल में भी और भी बहुत बढ़िया और भी काम किया, अभी तीसरी बार है तो आई हैव टू डू मच मोर बिगर वर्क आई हैव टू डू। सो आज हम बात करेंगे मथुरा लोकसभा सीट के चुनावी उम्मीदवारों के बारे में, जहां कांग्रेस ने अपने एक प्रसिद्ध उम्मीदवार को भाजपा की हेमा मालिनी के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया है। क्या वाकई में कांग्रेस मथुरा से बॉक्सर विजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाने का इरादा रखती है? क्या उनकी उम्मीदवारता की औपचारिक घोषणा अगले सप्ताह होने वाली है? इन सवालों का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं। कांग्रेस जिसने 2004 में अंतिम बार मथुरा लोकसभा सीट जीती थी, वो एक प्रसिद्ध उम्मीदवार को भाजपा की वर्तमान सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ खड़ा करके सीट को फिर से प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। यदि सूचनाओं पर विश्वास किया जाए तो कांग्रेस मथुरा से बॉक्सर विजेंद्र सिंह को खड़ा करने का इरादा रखती है, लेकिन अब तक कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि मथुरा क्षेत्र के 1951 से 52 के चुनावों के बाद से केवल 5 बार ही कांग्रेस की जीत हुई है, जहां जाट समुदाय मतदाता आधार पर प्रधानता रखता है। 1991 में साक्षी महाराज द्वारा भाजपा को जीत दिलाने के बाद से ये सीट भाजपा का गढ़ रही है। भाजपा ने मथुरा लोकसभा चुनावों में प्रभुत्व किया है, सिवाय 2004 और 2009 में जब कांग्रेस के मनवेंद्र सिंह और आरएलडी के जयंत चौधरी क्रमशः सीट जीते थे। हेमा मालिनी पहले एक बाहरी थी, इसलिए भाजपा को जाट वोटों को एकजुट करने की चिंता थी। पार्टी को आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के साथ मुश्किलें थी, जिन्होंने पहले ही भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया था, जिनके द्वारा जाट वोटों के बटने का खतरा था। लेकिन अब जब जयंत चौधरी एनडीए के सदस्य हैं और हेमा मालिनी ने सिख जाट अभिनेता धर्मेंद्र देओल के साथ शादी की है, तो भाजपा को बल प्रतीत होता है। वहीं विजेंद्र जो जाट समुदाय से संबंधित हैं, कांग्रेस अब जाट वोटों को जीतने की आशा कर रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा ने कहा कि विजेंद्र सिंह का नाम मथुरा से उम्मीदवार के रूप में तय किया गया है। उनका नाम शनिवार रात या रविवार को औपचारिक रूप से घोषित किया जाएगा। इस सब घटनाक्रम के आने वाले समय में प्रभाव का विश्लेषण करते हुए हम देखते हैं कि ये चुनावी उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया और उनकी उम्मीदवारता की घोषणा न केवल मथुरा की राजनीतिक जगह को प्रभावित करेगी, बल्कि आगामी चुनावों के परिणामों पर भी प्रभाव डालेगी। यदि ये गठबंधन सफल होता है तो ये मथुरा की राजनीतिक जगह को पूरी तरह से बदल सकता है, जिसमें भाजपा को एक मजबूत चुनौती मिल सकती है। विजेंद्र सिंह की उम्मीदवारता की घोषणा ने जाट समुदाय में एक नई उम्मीद जगाई है। उनकी उम्मीदवारता की घोषणा से जाट समुदाय के वोटर्स को एक नया विकल्प मिला है, जिससे वे अपने समुदाय के प्रतिनिधि को संसद में भेज सकते हैं। ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण मौका हो सकता है, जिससे वे अपने समुदाय की आवाज को और अधिक बुलंदी पर ले जा सकते हैं। विजेंद्र सिंह की उम्मीदवारता की घोषणा से भाजपा को भी एक नई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। भाजपा को अब अपनी रणनीति को फिर से सोचना होगा, ताकि वे जाट वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित कर सके। ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है, जिसका सामना उन्हें करना होगा। इस प्रकार ये घटनाक्रम न केवल मथुरा की राजनीतिक जगह को ही प्रभावित करेगा, बल्कि दिल्ली और अन्य जाट डोमिनेंट क्षेत्रों की राजनीतिक जगह को भी प्रभावित कर सकता है। इसी तरह की और जानकारी के लिए देखते रहिए एयर न्यूज़।